तो क्या गाइस, आज की वीडियो मुझे ये वाली पुलिस की ड्रेस अपनी इंडियन बाइक्स एंड गेम के अंदर देखने को मिलने वाली है। ओ भाई, तो यस गाइस, हो सकता है आज की वीडियो में मुझे ये वाली पुलिस ड्रेस अपनी इंडियन बाइक्स एंड गेम के अंदर देखने को मिले, क्योंकि भाई लोग आज की वीडियो में भी हम मिथबस्टर्स को कंफर्म या फिर बस्ट करने वाले हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हां यार प्लीज कर देना, क्योंकि आजकल तुम लोग वीडियोस तो देख रहे हो बट वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। बाकी बढ़ते हैं हम अपने पहले मिथ की तरफ। मिथ, आप एयरपोर्ट के पास वाली बिल्डिंग में जाकर देखो, आपको एक एलियन दिखेगा। आप उसको पिस्तौल से या फिर AK-47 से भी देख सकते हो। ओके, तो मैंने 330 डायल करके मिनी जेट पैक को मंगा लिया। अब एयरपोर्ट के पास वाली बिल्डिंग पर चलते हैं। आई डोंट नो कि एयरपोर्ट के पास वाली बिल्डिंग एग्जैक्टली मतलब कौन सी बोल रहे हैं, शायद ये वाली होगी जो कि एयरपोर्ट के अंदर ही है, और एयरपोर्ट के पास तो मुझे यही दिख रही है, तो यहाँ पर ही इसको लैंड करते हैं। अब यहाँ पर हमें एलियन देखना है। वेट, में गिर गया यार। ओके, तो हम छत पर तो पहुंच चुके, लेकिन एलियन की पिक्चर मतलब वो कहां पर है? ये क्या, मुझे कुछ तो दिख रहा है यहाँ पर ब्लैक, लेकिन वेट, यस आई थिंक यही वो पिक्चर है एलियन वाली, क्योंकि वहां पर देखो उसका नाक मुंह सभी दिख रहे हैं। पहले तो मुझे लगा था कहां पर होगी पिक्चर, बट भाई जैसे ही लैंड किया मैंने छत पर, सामने ही मुझे दिख गई। और यस, ये एलियन की तरह तो लग रहा है बट मुझे थोड़ा बहुत बिल्ली की तरह भी लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे बिल्ली की तरह लगा, बट तुम लोग सभी जिनको मेरी तरह ये बिल्ली लगी ना, वो तुम लोग बता देना। बाकी यस, एयरपोर्ट के पास वाली बिल्डिंग पे ये एलियन वाली पिक्चर है, तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ, जेसीबी का कलर चेंज नहीं होता। 6677 है जेसीबी का चीट कोड, यहाँ पर आ चुकी है जेसीबी। अब इसका कलर चेंज करके देखते हैं। ओके, मैंने इसके पास आकी गैलरी तो ऑन कर लिया, लेकिन ये यहाँ पर मुझे कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा। नहीं तो देखो, मैंने यहाँ पर 300 डायल करके टार्जन मंगाई, गैलरी ओपन करके इसके पास जाऊंगा ना तो सभी कलर्स मुझे दिखेंगे, और यहाँ पर मैं इन कलर्स को चेंज भी कर पा रहा हूँ, बट जेसीबी के पास जा रहे हैं तो कलर्स दिख ही नहीं रहे। इसका मतलब जेसीबी का कलर भी चेंज नहीं होगा, अगर यहाँ पर कलर चेंज होता तो सारे कलर शो होते। तो यस, ये वाला मिथ कन्फर्म। मित्र, 700 वाली कार को हम कलर चेंज करें तो उसका गेट का कलर ग्रीन ही रहेगा भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले 700 डायल करके 700 वाली कार को मंगाते। ओके, लैम्बोर्गिनी V2 आई है। अब चलते हैं गैलरी के अंदर और इसका कलर करते हैं कोई भी रैंडम कलर, येलो कर लेते हैं। एंड वेट, ये तो सच्ची में सारी गाड़ी का कलर चेंज हो चुका है, बट इसके दोनों गेट से ग्रीन है। वेट, RGB करके देखते हैं। RGB पर शायद सारी की सारी RGB हो जाएगी, यहाँ पर RGB करते हैं। लेकिन वेट, ये RGB पे भी इसके जो गेट से दोनों ग्रीन ही है, मतलब कुछ भी कर लो, कौन सा भी कलर कर लो, जो चाहे कर लो, बट इसके गेट्स ग्रीन रहेंगे। तो यस, ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ, हाउस कलर RGB करोगे, शोरूम में जाओगे तो शोरूम का कलर चेंज नहीं होगा। ओके, सबसे पहले हाउस कलर RGB कर लेता हूँ मैं। ओके करके डन, और हाउस तो RGB हो चुका है। अब शोरूम पे चलते हैं, लेकिन शोरूम तो दूर है, मैं ऐसा करता हूँ जेट पैक स्पॉन कराते हैं और जेट पैक से ही चलते हैं। तो मिनी जेट पैक को स्पॉन कराते हैं 330 डायल करके। अबे यार, ओके लेट्स गो, अब चलते हैं सीधा शोरूम पे। एंड तुम लोग को पता होगा, अगर हम हाउस कलर रेड करते हैं, ग्रीन करते हैं, येलो करते हैं या फिर कोई भी कलर करते हैं, तो हमारा जो न्यू शोरूम है ना वो भी उसी कलर का ही हो जाता है। तो देखते हैं RGB हुआ है कि नहीं, क्योंकि सभी कलर पे हो रहे हैं तो शायद RGB भी हो जाए। बट वे, ये मुझे सामने दिख तो गया बट नहीं, हमारा हाउस तो RGB हो गया था बट ये RGB नहीं हुआ। इसका मतलब हम अपने शोरूम पे सभी कलर्स तो कर सकते हैं RGB को छोड़ करके। वेट, देखो ये RGB तो नहीं है, बट यहाँ पर मैं हाउस कलर रेड कर लेता हूँ, फिर देखते हैं ये रेड अभी के अभी हो रहा है कि नहीं। ये ठीक रहेगा, हाउस कलर यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ रेड। अब ओके करके डन करते हैं, तो देखो रेड तो हो गया है बट RGB नहीं हो सकता, शायद ये न्यू अपडेट के बाद RGB भी हो। बाकी ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ, JCB ब्लास्ट करने के बाद भी उसके पार्ट्स काम करते हैं। ओके, JCB का चीट कोड है 667, तो यहाँ पर डायल करके स्पॉन करते हैं। अब इसको ब्लास्ट करते हैं, थोड़ा सा दूर चलता हूँ नहीं तो मैं खुद ही खलास हो जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसको फायर कर लेता हूँ, ब्लास्ट हो चुकी है। तो अब चलते हैं और देखते हैं क्या इसके पार्ट्स अभी वर्क कर रहे हैं कि नहीं, बट मैं तो इसमें बैठ ही नहीं पा रहा। अब देखो, अगर मैं इसमें बैठ ही नहीं पा रहा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मैं इसको मतलब इसके पार्ट्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं, पता नहीं। ओके, अगेन मैंने स्पॉन करा लिया, इसको करते हैं ब्लास्ट। और एक चीज देखो, इसके जो पार्ट्स है ना वो मतलब ब्लैक नहीं हो रहे, उनको आग नहीं लग रही, बट ये कैसा पता चलेगा कि ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं? तो हमें तभी पता चलेगा जब हम इसके अंदर बैठ पाएंगे, पर हम बैठ भी नहीं पा रहे हैं और ये इसके पार्ट्स जल भी नहीं रहे। बट हमारा काम इससे नहीं है कि इसके पार्ट्स जल रहे हैं या फिर नहीं, हमारा काम है कि पार्ट्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो ऑब्वियसली हम इसमें बैठ नहीं पा रहे हैं, तो हमें नहीं पता चल रहा है कि इसके पार्ट्स वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं, तो इसलिए ये वाला बस्ट है। मगर क्यों,
मित हॉर्स और जेसीबी में साथ बैठो फिर देखो मेजे। तो अगेन जेसीबी का चीट कोड है 6677 और हॉर्स का चीट कोड है 200। तो अब दोनों आ चुके हैं जेसीबी और हॉर्स, तो अब इनमें एक साथ बैठना है। लेकिन ये हॉर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, शायद उस साइड है हॉर्स, मतलब हॉर्स को इस साइड पे करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, यहीं पर ही आइडिया, इसको धक्के लेंगे, दोनों के ऑप्शन आ चुके हैं, तो मैं इन पे क्लिक करता हूँ एक साथ। डन, मैंने दोनों पे एक साथ क्लिक कर लिया है। अब देख अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मैं हॉर्स को चला के देखता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मुझे लगा था ये जेसीबी और हॉर्स एक साथ चलेंगे, बट ये तो नॉर्मल हॉर्स चल रहा है। लेकिन ये क्या हुआ, जेसीबी का गेट देखो, वो गोल घूम रहा है सारा का सारा गेट। उससे मेरा क्या फायदा? वेट, मतलब कुछ ना कुछ तो है। मैं हॉर्स से एग्जिट करता हूँ, अब देखते कुछ ना कुछ हो, पर शायद से अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं जेसीबी के पास चलता हूँ, क्योंकि उसका गेट देखो कैसे घूम रहा है। ओके, मैं जेसीबी के पास, वेट ये क्या हुआ था, मैं जेसीबी के जैसी पास गया, उसने यूं धक्के लगा और इतना दूर आ गया मैं। एक बार फिर से मैं जेसीबी के पास चल रहा हूँ, भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल था ये। मैं जेसीबी के पास पहुंचने आ रहा हूँ और ये भाई कितना दूर फेंक रही है, क्रेजी। तो ये वाला मित कंफर्म्ड है। मित गोस्ट रनर बाइक स्पॉन करो, उसमें कोई सा भी कलर करो आरजीबी को छोड़ के, फिर व्हाइट कलर करो तो नॉर्मल हो जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर गोस्ट रनर बाइक का चीट कोड 4x5 ये डायल कर दी आ चुकी है। तो अब गैलरी में चल के सबसे पहले तो इसका कलर चेंज करते हैं। ओके, मैंने येलो किया तो ये सारी की सारी येलो हो चुकी है, ग्रीन पे और ब्लू पे भी सारी की सारी ब्लू हो चुकी है। जो हम इस पे कलर कर रहे हैं सारी की सारी वो आ जा रही है। तो यहाँ पर इसको व्हाइट करते हैं, लेकिन एक सेकेंड, ये व्हाइट पे वैसी नॉर्मल तो हो चुकी है, बट व्हाइट करते ही इसमें मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं। ब्लैक का शेड आ रहा है, थोड़ा सा गोल्डन का शेड आ रहा है, बट दूसरे कलर्स करने के बाद सारी की सारी वैसी हो जा रही है। ये देखो अब बिल्कुल येलो हो गई, और व्हाइट करते ही मतलब ये अपने नॉर्मल शेप में आ रही है, फुल व्हाइट नहीं हो जा रही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। तो यस गाइस, ये वाला मित कंफर्म्ड है। मित मिनी जेट पैक लेके बड़े वाले प्लेन के ऊपर चढ़ो, फिर स्टिकी बॉम्ब खिड़की पे फेंको, फिर स्टिकी बॉम्ब नीचे चला जाएगा। तो एयरपोर्ट तो मेरे बिल्कुल सामने, तो 330 डायल करिए, जेट पैक को मंगा लिया। एरोप्लेन के ऊपर चलते हैं, जो कि ऑब्वियसली बड़ा वाला एरोप्लेन, छोटा वाला नहीं। तो जेट पैक हमारा उड़ तो चुका है, अब इस वाले एरोप्लेन के ऊपर चलते हैं। बस मैं अच्छे तरीके से लैंडिंग कर लूं, क्योंकि ये जेट पैक चलाना मुझे नहीं आता सच्ची में। तो आराम आराम से मैं लैंडिंग कर लेता हूं, शायद से एरोप्लेन बड़ा है तो लैंडिंग हो ही जाएगी। यहाँ पर मैं एग्जिट कर लेता हूँ, यस लैंडिंग हो चुकी है। अब मैं स्टिकी बॉम्ब लेता हूँ और खिड़की पे लगाता हूँ, लेकिन खिड़की तो मुझे यहाँ से नजर ही नहीं आ रही। थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, यहाँ पर मैंने फेंका, ये तो नीचे नहीं गया है, बट थोड़ा सा नीचे खिड़की नजर आ। ओके, ये खिड़की है ना शायद, यस यही खिड़की है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लगाता हूँ, बे ये तो ऊपर हवा में लग रहे हैं। मैं एग्जैक्ट खिड़की पर ही निशाना लगा के फेंक रहा हूँ, ये नीचे तो नहीं जा रही, ये तो हवा में है सारे के सारे। ओके, मैं इस साइड पे भी आ जाता हूँ, बस थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा अब यहाँ पे लगा, अबे ये तो हवा में है। मैंने सारे स्टिकी बॉम्ब एग्जैक्ट खिड़की पे लगाए थे, बट वो खिड़की पे लगने के बाद अंदर नहीं जा रहे थे, हवा में ही चिपके जा रहे थे, और यहाँ से तो वहां तक पहुंच ही नहीं जा रहे हैं। तो ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ, अगर हम इन्फिनिट हेल्थ लगाते हैं तो डायनासोर हमें नहीं मारेगा। ओके, अपनी फेवरेट स्प्लेंडर को स्पॉन कराते हैं और चलते हैं सीधा जुरासिक पार्क के अंदर। चलो भाई, अपनी स्प्लेंडर भाई फेवरेट है, छोड़ो इन बातों को, हमें चलना है जुरासिक पार्क के अंदर। तो ये ही आ चुका है जुरासिक पार्क का गेट, सीधा अंदर चलते हैं। लेकिन रुको, मैं ऐसे ही अंदर जा रहा हूँ, मैंने इन्फिनिटी हेल्थ लगाई नहीं है। चलो इन्फिनिटी हेल्थ लगाते हैं, जिसका चीट कोड है 9129, ये लगाते हैं, इन्फिनिटी हमारी लग चुकी है। अब चलते हैं डायनासोर के पास। आजा डायनासोर, आज देखता हूँ तू मुझे क्या कर सकता है। अले तेरी जॉब और तेरे मालिक को खा जाऊंगा। वो तो ठीक है, बट अब डायनासोर कहाँ पे, मैं तो पहले आता था सामने ही खड़ा होता था, पता नहीं कहाँ पे चले गए। इस साइड पे छोटा डायनासोर होता है ना, छोटे डायनासोर को ही ढूंढने चलते हैं, बस कोई एक मिल जाए, छोटा मिले या बड़ा मिले, मैं डायनासोर की बात कर रहा हूँ। बट भाई कहाँ गए, छोटा डायनासोर भी यहीं खड़ा होता था, बड़ा डायनासोर जहाँ पे मैं होके आऊँ वहाँ पे होते था, मतलब होता था, होता है। अभी पता नहीं कहाँ पे चले गए, ना तो छोटा डायनासोर मिल रहा है और ना ही बड़ा डायनासोर। फाइनली मिल गया मैं बड़ा डायनासोर, तो अब इसके पास चलते और देखते ये खाता है कि नहीं। ये आ तो मेरी तरफ रहा है, लेकिन वेट, ये मुझे नहीं खा रहा है। देखो ये मेरे आसपास घूम रहा है, जहां पे मैं जा रहा हूँ वहां पे आ रहा है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो हम ही इसको क्लास करते हैं, आरपीजी के दो फायर्स में भी इसको कुछ नहीं हुआ। ओके, तीसरे पे क्लास हो गया है। भाई सच्ची में इन्फिनिटी हेल्थ लगाने के बाद डायनासोर में कुछ भी नहीं कर रहा था। इसका वेट, इसका मुंह देखो और दांत देखो कितने बड़े।
क्रेजी भाई बाकी यस इन्फिनिटी हेल लगाने के बाद छोटा डायनासोर बड़ा डायनासोर कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। तो गाइज आज के लिए कुछ इतनी मिस थे जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया, जो उनमें से काफी सारे मिस ऐसे थे जो कि कन्फर्म थे एंड काफी सारे मिस ऐसे थे जो कि बस्ट थे। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी, अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, और इस गेम की अगर तुम लोग को भी कोई मिस आते हैं तो तुम लोग बता देना जो कि नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। बाकी अभी मेरी इस गेम की और वीडियोस देखनी है तो आप लोग जो ऊपर शो हो रही है उस पर क्लिक करो, मैं आप लोगों को वहीं पे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।